Let your faith be bigger than your fear. So guys, me, Dr. Puneet, Fit for Fashion is again back with you. Like always, again, koi ek naya topic aapke saamne leke aaya hu. Ye topic aisa topic hai ki over the period of time, you can say from times when sports were in there, or you can say from, even I from my childhood have been listening to this debate or topic. And sometime when I was young, pretty young, so I used to wonder, ki, is that so? Aisa hota hai? But now once I myself am into bodybuilding, into weights, and being an active sports person, now I can tell that kai mythologies, hum myths carry karte hai. Aur wo myth one generation se next se second, next, or you can say just keeps carrying on. तो आज एक ऐसा मिथ लेके आ रहा हूँ जिसके बारे में आपने भी 100% सुना होगा, एंड या बहुत लोग आपको डराते होंगे कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा. सो दैट इज लो लिबिडो लेवल्स, इनफर्टिलिटी इन स्पोर्ट्स, इन बॉडी बिल्डिंग, इन वेट लिफ्टिंग. सो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा लो low libido levels or infertility. So guys, ज़्यादातर ये assume किया गया है कि testosterone एक ऐसा हार्मोन है जिसकी जब भी हमारी बॉडी में प्रोडक्शंस लो होंगी या कम होंगी तो इंसान इम्पोटेंसी, लो लिबिडो लेवल्स, डिक्रीज मसल मास सब कुछ फिक्स करता है. एंड फर्दर मोर उसके बाद वंस यू गो टू अ फिजिशियन, सो स्ट्रेट अवे व्हाट और इवन यू हैव नॉट हैपन टू गो टू अ फिजिशियन, आप इमीजिएटली टीआरटीज शुरू कर देते हो, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज पे आ जाते हैं, या फिर कुछ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स होते हैं उनको लेना शुरू कर देते हैं. सो समटाइम्स इट डज वर्क, बट यूजली साइंस हैज प्रूव्ड इट. ऑफ लेट कुछ रिसर्चेस ऐसी सी हुई थी जिनमें प्रूव हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल, आई राइट इट डाउन, टेस्टोस्टेरोन. नाउ व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, लेट मी अगेन राइट वन मोर वर्ड फॉर योर कन्वीनियंस. Guys, testosterone is a male hormone, estrogen is a female hormone. हमारी मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, estrogen भी होता है. डिफरेंस ये है कि इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एंड इसकी मात्रा बहुत कम रहती है. सिमिलरली फीमेल्स के अंदर भी estrogen भी होता है, टेस्टोस्टेरोन भी होता है. फीमेल्स में बिकॉज फीमेल को ये वाला हार्मोन गवर्न करता है तो उनमें इसकी रेशियोज में ये हमेशा हाई रहता है, ये हमेशा कम रहता है. और अगर इसका हेयर बदल हो, अगर मेल्स में एस्ट्रोजन हाई होना शुरू हो जाए तो कुछ लेडी लाइक ट्रेट्स मेल्स में आना शुरू हो जाते हैं. मोस्टली इट इज लाइक द फैट डिपोजिशंस एट रॉन्ग एंगल्स, मे बी वेस्ट लाइन हैवी होनी शुरू हो जाती है, एजिलिटी में फर्क आता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो गाइस, दीज आर द टू हार्मोन्स जिनके हेयर बदल से एंड कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो आई एम गोइंग टू कम टू यू. सो इट वॉज थॉट दैट दीज हार्मोन्स आर द वंस जिनकी वजह से ही हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो एज आई सेड कि रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है. जबकि तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, दैट इज फ्री testosterone is to estrogen third is SHBG. This is sex hormone binding globulin. ये एक साइट होती है एक्चुअली.
इसका रोल क्या है, आई जस्ट कम टू यू। सो गाइस, बेसिकली जब भी ह्यूमन बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन की लेवल्स कम होंगे तो आप ये वाली मेडिकल कंडीशंस को फेस करते हो, या फिर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के रेशियोज में अगर हेर फेर है, देन अगेन दीज प्रॉब्लम्स कम टू यू। एंड थर्डली इज SHBG, विच इज बेसिकली साइट। अब इन चीज़ों का आप मेडिकल लेबोरेटरीज में जाके टेस्ट भी करवा सकते हो, तो यू कैन कम टू नो। अगर आप इन चीज़ों तीन फैक्टर्स में आपके डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो दैट इज़ द मेन कॉज फॉर योर प्रॉब्लम्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो है जो रीजंस आ रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज योर एजिलिटी। Agility is, you can say, the swiftness. You're getting up, you're moving to your office, you're moving from office to home, your kid is playing around and you want to just play with him, but you don't feel like, you know, agility kam hoti, aap tez nahi chal pa rahe ho. Not being active, that is basically what the synonym for agility. Then is fat gain. आप गलत एंगल्स पे फैट गेन करना शुरू कर देते हो, ज़्यादातर वेस्ट लाइन हैवी होनी शुरू हो जाती हैं, टाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं, लूज स्किन लटकनी शुरू हो जाती है, दैट इज अगेन ईस्ट्रोजन। ये हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। थर्ड इज लो कंसंट्रेशन। आप किसी भी काम के अंदर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, आपको कोई गिवन टास्क दी जाए, यू वोंट बी एबल टू कंसंट्रेट, आपका माइंड हमेशा डाइवर्टेड रहेगा, यू वोंट बी एबल टू गिव फुल जस्टिस टू द वर्क। डिप्रेशन। यू वोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, खुद डिप्रेस रहोगे, अपने आले दुआले अपने फ्रेंड्स को कोलीग्स को इफ यू आर वर्क प्लेस, सो यू विल ऑलवेज बी इरिटेटेड एंड You just won't feel like doing anything and गंदे गंदे तौर से। कई बार क्या होता है कि अगर आपका ये वाला हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो suicidal tendencies तक इंसान में आती है। So not to go that far, my debate is not going that way. Maybe in coming topics I'll come to those things also. Then as from bodybuilding perspective, low muscle gains. आप कितना भी वर्कआउट कर रहे हो आपके मसल्स गेन नहीं हो पा रहे, आप डाइट भी ले रहे हो तो अभी आपके मसल्स गेन नहीं हो रहे, बल्कि सॉफ्टनेस आ रही है मसल्स के बीच में, हार्डनेस लेवल्स मिस हो रहे हैं। सो अगेन द फ्री टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो सो डेफिनेटली वन थिंग इज फॉर श्योर, या तो आपकी टेस्टोस्टेरोन इज टू एस्ट्रोजन रेशियोज खराब हो चुकी हैं, या फिर आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन जो घूम रहा है बॉडी में वो बहुत कम हो चुका हुआ है, या SHBG। नाउ आई कम टू SHBG, यू मस्ट वंडरिंग अबाउट SHBG। मैं डायग्रामेटिकली शो करूंगा आपको। SHBG इज बेसिकली सम साइट्स, दिस इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन। वॉट डज इट डज, हमारी बॉडी के अंदर फ्री टेस्टोस्टेरोन घूम रहे होते हैं ना, विच इज अवेलेबल फॉर योर बॉडी यूज एट एनी गिवन ऑफ टाइम, एनी गिवन टाइम। जब इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती इन साइट्स की, वॉट डज दिस दे डू, ये अपनी तरफ इन टेस्टोस्टेरोन को खींचना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी फ्री टेस्टोस्टेरोन की जो बॉडी में सर्कुलेशन है वो रुकनी शुरू हो जाती है। जब आपकी फ्री टेस्टोस्टेरोन की सर्कुलेशन बॉडी में कम हो रही है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा आपकी एजिलिटी पे, आपके लिबिडो पे, एंड आपके मसल मास ना जनरेट करने के जो आप फेस करते हो वो प्रॉब्लम्स इनिशिएट हो जाती है। देन डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन इज टू ईस्ट्रोजन रेशियोज जो मैंने आपको बताया वो हेर फेर होती है। तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी मेडिकल लेबॉरेटरी में जाके टेस्ट करवा सकते हो,
So you can come to know about the free testosterone, SHBG, and testosterone is to estrogen ratios. Agar fluctuated hain, you can get some, you can say, medical advice for it. You can go to some physicians. Now coming to the remedy. Ab remedy kya hai in cheezon ki? As far as your testosterone, free testosterone, testosterone is to estrogen ratios and SHBG concerned hai. Testosterone, SHBG, then test is to estrogen. Iske liye, first, aap magnesium. Ye aapki free testosterone ke levels ko increase kar dega. So, आपको मैग्नीशियम का सप्लीमेंट बॉडी में लेना है. सेकंड इज जिंक. जिंक आपके एसएचबीजी जो कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलर साइट्स हैं, इसकी क्वांटिटी को कम कर देगा. अगेन आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा आ जाएगा ब्लड में. विटामिन डी थ्री, आईली कैल्सिरोल्स वगैरह मिलते हैं सेशियस, आप कैल्सिरोल्स ले सकते हैं. विटामिन डी थ्री की टेबलेट्स भी आती हैं, इसका आप कोर्स शुरू कर दीजिए. कैल्सिरोल जैसे आपको आईडी यूजुअली गाइड पीपल माय पेशेंट्स माय स्टूडेंट्स के कर्ड में मिक्स करके आप ले सकते हो वीक में एक बार कैल्सिरोल का सेशंस. एंड ये भी डेफिनेटली आपके एसएचबीजी एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, एसएचबीजी की प्रोडक्शन को कम करते हैं. फोर्थ इज कार्बोहाइड्रेट्स. What is carbohydrate? Usually, guys, many of you must be wondering that कई लोग होते हैं कि we want to look like sharp, हमें leaner look चाहिए. And उसके लिए the biggest you can sacrifice is that you do on the carbohydrate intake. Guys, carbohydrates body में जाके metabolize होके fat बनते हैं, and fat is prerequisite for formation of testosterone hormone. तो अगर आपने कार्बोस को बॉडी में ड्राई कर दिया है तो डेफिनेटली वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के ऊपर भी जाके हिट करेगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल दैट. सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का खास ध्यान रखना है कि इसको अपनी बॉडी को अपने बहुत ज़्यादा स्टार्व नहीं करना. फिफ्थ, सॉरी, जो प्रैक्टिकली एक इवल है हमारी सोसाइटी फेस कर रही है वर्ल्ड ओवर, दैट इज किसी भी डिसिप्लिन में हो आप, स्पोर्ट्स में किसी भी हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, इंडोर स्पोर्ट्स हो, बॉडी बिल्डर हो, वेट लिफ्टर हो, ये चीज़ जब जब आपकी बॉडी के अंदर अपना घर बनाना शुरू करेगी. सो गाइस, स्पोर्ट्स को, बीइंग एन एथलीट, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, त्याग दो. या तो ये चीज़ रह सकती है या आपके लाइफ के एम्स रह सकते हैं, चॉइस इज योर्स. तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर जिससे आपके हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते हैं, लिबिडोस कम होनी शुरू होती हैं, मसल की एट्रोफी एंड लॉट ऑफ इश्यूज एंड डेफिनेटली सोशल इवो. सो हैविंग सेड दैट, अब ईस्ट्रोजन को अगर आपने बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड मैनर में रखना है, तो कुछ फूड्स हैं, ज्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, that is broccoli. I'm sorry for my loose handwriting being a dentist and a dentist so this is the best I could do, and I'd hope you can, because I'm speaking as well, so my apologies. Broccoli, then cucumber, third being cauliflower, fourth like sprouts, these are some of the things, green vegetables which you can intake. इससे भी आपका जो estrogen levels है body में वो controlled रहेंगे. So guys, जैसे जैसे इंसान की age बढ़ती है, again estrogen levels males में increase होना शुरू होते हैं, and females के अंदर भी testosterone के production के ऊपर increase होनी शुरू होती है. आपने देखा होगा ओल्ड लेडीज देयर आर आल्सो हैविंग सम डिहाइड्रेशन ऑल दैट, सो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं. तो अच्छा लाइफ स्टाइल रखिए, डाइट को कंट्रोल में रखिए, फैट लेवल्स कम रखिए बॉडी में,
कार्डियोज करते रहिए हफ्ते में 2 से 3 बार मिनिमम, इरिस्पेक्टिव सर्दी है गर्मी है, उससे भी आपके ऑर्गन की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी, आपके हार्मोन्स काफ़ी ज़रा कंट्रोल रहेंगे. हैव एडिक्वेट स्लीप, अच्छे से रात को सोना, एटलीस्ट 7 to 8 hours की स्लीप मस्ट है. नहीं तो कॉर्टिसोल एक अलग हार्मोन है जो प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो ऑलरेडी मैं अगर मेरे पिछले वीडियो से कोर्स के अंदर मैंने बताया हुआ है. अगेन रिफ्रेश मेमोरी इन कमिंग वीडियोज. सो एडिक्वेट रेस्ट एंड गुड डाइट, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फॉलो. एंड सो इन माई कमिंग आई बी अगेन कमिंग विद टू यू विद सम अदर टॉपिक, सम अदर डिबेट, जो कि आमतौर पर मस्ट बी वंडरिंग आंसर्स नहीं मिल पाते. सो आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट जस्टिस टू दोज क्वेश्चंस, दोज क्वेरीज. सो टिल देन साइनिंग आउट मी डॉक्टर विनीत सिटवासन विद माई पार्टनर. टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी. साइनिंग आउट, योर्स डॉक्टर विनीत.